हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं रीज गार्ड के साथ मटर दाल का सब्जी बनाती हूँ। जैसे तोरी के साथ हम लोग डिफरेंट दाल का कॉम्बिनेशन करके सब्जी बनाते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल या चना दाल। सिमिलरली झींगा तोरी के साथ भी दाल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो आज मैं मटर दाल के साथ झींगा तोरी बना रही हूँ। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो झींगा तोरी है यहाँ, इसको अच्छी तरह से धो के मैं साफ करके रखी हूँ। आलू और प्याज लिया, 1/3 कप मटर की दाल है, इसको मैं रात में भिगो के रखा था, फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा टमाटर और स्वाद अनुसार मिर्च का पेस्ट बना के रखी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो गया। मटर दाल को पहले मुझे बॉयल कर लेना है क्योंकि ये हार्ड होता है। इसको मैं कुकर में बॉयल नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर कुकर में बॉयल करूँगी तो बिल्कुल ही पिघल जाएगा, इसलिए मैं इसको कढ़ाई में पहले बॉयल कर लेती हूँ। 90% कुक कर लेना है, बाकी कुक आपका झींगा तोरी के साथ हो जाएगा। 10 मिनट के ऊपर हो गया, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, दाल मेरा कुक हो गया है, जितना बाकी है वो सब्जी बनाते वक्त कुक हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल लेती हूँ। झींगा तोरी को भी मैंने काट लिया, आलू को भी काट लिया क्यूब शेप में, और प्याज को भी चॉप कर लिया। दाल निकल के वही कढ़ाई को मैं दोबारा साफ कर लिया, गर्म होने के लिए रख दिया। तेल डाल देती हूँ, 2 से 2.5 चम्मच के आसपास मैंने तेल डाला। यहाँ तेल अपने कुछ भी डाल सकते हो, सरसों, वेजिटेबल ऑयल, जो भी आप घर में यूज करते हो। तेल को भी गर्म होने देती हूँ, 1 चम्मच जीरा भी डाल दिया साथ में, दोनों को ही गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब आलू को डाल देती हूँ और पहले आलू को फ्राई कर लेती हूँ। आलू मेरा फ्राई हो गया है, प्याज को डाल देती हूँ। प्याज को भी आलू के साथ थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, 2 चम्मच सब्जी मसाला भी डाल दिया, मिक्स कर लेती हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया 2 चम्मच। अब सारे मसाला को फ्राई कर लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे। मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब दाल को डाल देती हूँ जो 90% कुक करके रखी थी, मिक्स कर लेती हूँ। अब रीज गार्ड या झींगा तोरी को डाल देती हूँ। कवर कर देती हूँ कढ़ाई को और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे अपने मॉइस्चर में पकने देती हूँ। 3-4 मिनट हो गया, एक बार चेक कर लेती हूँ। तोरी से काफ़ी पानी निकला है, मिक्स कर लेती हूँ। एक बार नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और एक बार मिक्स कर देती हूँ। कवर कर देती हूँ और लो फ्लेम पे इसे 3-4 मिनट और पका लेती हूँ। 3-4 मिनट हो गया है और एक बार चेक कर लेती हूँ। सब्जी मेरा कुक हो गया है, अभी थोड़ा सा ग्रेवी है पर ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। गैस बंद करके थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देती हूँ। झींगा तोरी के साथ मटर दाल की सब्जी मेरा बन के तैयार है। रोटी, पराठा, पूरी, चावल सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब भी बनाइए और अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आगे भी बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।